हमने 100 वीडियोस 100 ड्रेस हम इसमें डिजाइन करेंगे इस चैनल पर। इस बात का हमने चैलेंज किया था मैंने, और हम मैंने फर्स्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और 100 वीडियो में से ये हमारी सेकेंड वाली है। ये जो ड्रेस है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो कोट, ये जो जैकेट है हमारा, ये हम कैसे बना सकते हैं आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है। ये प्रिंटेस्ट का डिजाइन है, ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे हम बन रहा है। कई दिनों से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे बनाने के लिए। तो चलिए देखिए, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको मैं आसान तरीके से समझाने की और सिखाने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए थे साड़ी की वीडियो के लिए, मैं जरूर आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगी। और उसके लिए मैंने फैब्रिक भी बाय कर लिया है और उसको हम डिजाइन जरूर करेंगे फिर से, क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो, जो कि मैंने बहुत मेहनत की थी उसके ऊपर। तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो को आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर देती हूँ। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जब मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए तो वो आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जो टॉप है अंदर वाला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट मैं थोड़ा सा इसको फास्ट भी कर दिया है मैंने, आप चाहो तो इसको स्लो करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपर पार्ट के लिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है और ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 60 इंचेस की विड्थ है। ये 3 मीटर फैब्रिक मैंने लिया है। अगर आप लोग कम विड्थ वाला लेना चाहते हैं तो 3.5 मीटर ले सकते हैं, 4 मीटर ले सकते हैं। तो अब देखिए, ये मैंने इस तरह से ओपन साइड से इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है। हम सबसे पहले इसमें ओपन साइड से ही कट करेंगे। यहाँ पर मैं 2.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ, ये हमारे बटन पट्टी के लिए रहेगा। इसको मैं यहाँ से सीधा सीधा एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और यहाँ से अभी जो हमने लाइन लगाया है, यहीं से हम अपना शोल्डर लगाएंगे। जो भी आपका शोल्डर हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगा कर ही लगाना है इसमें, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं। अब जितना भी आपका शोल्डर है वो आर्म होल के लिए लगा लीजिएगा, और आपका वेस्ट लाइन जो भी हो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए आप इसमें लगा सकते हैं। मैं अपने मेजरमेंट से लगा रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट लगाइए। आपका जो भी मेजरमेंट है बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो 7 इंच पर ही लगाया है मैंने, देख लीजिए। यहाँ से फ्रंट के लिए 1 इंच बैक कर दिया है और इस तरह से मैं इसको, इनको भी इस तरह से सीधा कर देती हूँ। बिल्कुल जैसा मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाइए, आपका जो भी मेजरमेंट हो। अब यहाँ पर हम अपना चेस्ट लगाएंगे, चेस्ट का 4 पार्ट लगाएंगे। जो भी आपका चेस्ट हो उसका, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए और 1.5 इंच मार्जिन लगा दीजिए। वेस्ट राउंड में भी बिल्कुल आप लोगों को वैसे ही करना है, ठीक है। जो भी आपका वेस्ट राउंड हो वो आप यहाँ से लगाकर 1.5 इंच मार्जिन इसमें ले सकते हैं, या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ से हम अपना आर्म होल का निशान इसमें लगा देते हैं, और उसके बाद जो है ये फ्रंट का आर्म होल का निशान भी मैं इसमें लगा रही हूँ। और यहाँ से हम लगा देते हैं अभी गले की चौड़ाई का निशान, 3 इंच पे लगाया है मैंने कॉलर के लिए। और यहाँ से 3 इंच पर ही मैंने इसको कॉलर के लिए रखा। ये मैं 34 साइज का बना रही हूँ, आप कोई भी मेजरमेंट से इसको बना सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से मैं 1 इंच इसमें शोल्डर डाउन कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं तो हम इसमें 1 इंच शोल्डर जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ाकर ही कट करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से मैंने इसमें निशान लगाया है बिल्कुल वैसे ही निशान लगाना है आप लोगों को। यहाँ से मैं 1.25 इंच के करीब इस तरह से ये उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है वो सीधा सीधा हमारा कोनो ना निकले, इसलिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। तो अब देखिए, इसको फटाफट से मैंने कट कर दिया है। जैसे मैं आप लोगों को बताया, मैं फटाफट कर थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ वीडियो को, आप स्लो करके भी देख सकते हैं, डोंट वरी। अब ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है इसको हम यहाँ से अंदर कर देते हैं, और इसी को रखते हुए इस वाले फैब्रिक पे ये बैक के लिए मैंने इस तरह से ये लिया है। ये फोल्डिंग है, बिल्कुल ओपन साइड नहीं है, ये फोल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये बैक है हमारा। हमने सिर्फ जो है वो फ्रंट में ही ओपन रखना है, बैक में नहीं रखना है, इसीलिए। अब यहाँ से हम 1 इंच का एक निशान लगाकर इसको शोल्डर को ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। 1 इंच का ही हमने बैक का नेक कट करना है इसमें। ये देखिए, जिस तरह से मैं इसमें निशान लगा रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ से भी 1 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे, और यहाँ से हम इसको शोल्डर को डाउन कर देंगे। बस इतना ही करना है हमने बैक में, ये करना बहुत जरूरी है, वरना आप लोगों का कॉलर जो है वो अच्छे से नहीं बैठेगा। ये करना बहुत जरूरी है, जो बिगनर्स है उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं तो बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं।
तो अब देखिए ये जो फ्रंट का आर्मोल है ये भी कट कर लेते हैं। अब ये हमारा हो चुका है। अभी देखिए इसको क्या करना है, हमने ये बैक है हमारा जो कि हमने बिल्कुल ओपन नहीं रखा है, ये फ्रंट है हमारा जो हमने ओपन रखा है। देखिए अब इसका हम शोल्डर जोड़ देंगे यहाँ से दोनों का, ये देखिए इस तरह से। अब इसके नीचे का जो घेरा है वो कट कर लेते हैं, और इसका नीचे का जो घेरे का साइज है वो हम ले लेते हैं क्योंकि हमने अपने घेरे के लिए इसमें लगेगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने अपने अपर पार्ट का जो लेंथ है वो माइनस करते हुए अपनी फुल लेंथ लिया है, ये मैंने 54 इंचेस की इसकी फुल लेंथ लिया है, ये देखिए इस तरह से, और 2 इंच मैंने प्लस करके लिया है ताकि मैंने नीचे से 2 इंच इसको ये फोल्ड करना है। अब देखिए गाइस ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया 60 विड्थ का फैब्रिक है, ये पूरा मैंने इसकी जो विड्थ है वो पूरी ले ली है, और बीच में से मैं सेंटर से इसको कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको 2 पीस करना है फ्रंट में लगाने के, क्योंकि हमारा फ्रंट में भी ओपन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो सेंटर है हमारा, यहाँ से मैं 2.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको ओपन रखना है, बटन पट्टी के लिए हमने 2.5 इंच का निशान इसमें लगाना है, उसके बाद ही हम इसमें गैदर्स के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, जैसा हमके हमने फ्रंट वाले हिस्से में 2.5 इंच का निशान लगाया था बिल्कुल वैसे ही हमने घेरे में भी 2.5 इंच का निशान लगाकर ही इसमें गैदर्स बनाने होंगे। तो अब इसी निशान को मैं दूसरे वाली पीस पे इस तरह से ये कॉपी करूंगी, क्योंकि हमने निशान पर ही इसको पट्टी को फोल्ड करना है, ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, इसलिए मैं इसमें निशान का कॉपी कर रही हूँ। अब यहाँ से हम इसमें गैदर्स बना देंगे, बस इतना ही था। ये 2.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है उसको छोड़ते हुए बाकी का जितना भी फैब्रिक है हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। और हमने जो फ्रंट पीस कट किए हैं दोनों पीस, ये देखिए ये वाले, इसको अभी हमने यहाँ से ये जोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। तो जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है उसमें गैदर्स नहीं आने चाहिए आपके, बाकी का जो जितना भी हमारा फैब्रिक बचता है उसमें आप इसमें गैदर बना सकते हैं, ठीक है। प्लेन ही रखना है हमने, 2.5 इंच का फैब्रिक जो है वो प्लेन ही रखना है जहां तक हमने निशान लगाए हैं, बिल्कुल इस तरह से। देखिए एक दूसरे के साथ हम इसको जोड़ देंगे। गैदर्स कैसे बना सकते हैं ये कैसे, बहुत सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है तो इसमें नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो देखिए मैं इसको यहाँ से, ये देखिए ये जो बैक है इसमें बिल्कुल हमने ओपन नहीं रखा है, पूरा जो हमारा 60 विड्थ का फैब्रिक है वो पूरा मैंने ये ले लिया है तकरीबन ये 1.5 मीटर। तो ये देखिए शोल्डर मैंने जोड़ दिया और ये गैदर्स बनाकर भी मैंने ये एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है। देखिए 3.5 इंच तक मैंने इसको बिल्कुल गैदर्स नहीं बनाए हैं, बिल्कुल प्लेन रखा है, बाकी का जितना भी फैब्रिक है आप इसको गैदर्स में देख सकते हैं, ठीक है। ये व्हाइट फैब्रिक है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं 2.5 इंच का, देखिए ये यहाँ से इसको हम यहाँ से इस तरह से ये फोल्ड करेंगे, जो निशान हमने लगाए हैं वहीं तक फोल्ड करना है, जो हमने निशान लगाया है उसके बिल्कुल पार नहीं होना चाहिए ये हमारा फैब्रिक बटन पट्टी के लिए। तो अब इस तरह से मैं इसको डबल 1.5 इंच इसको हम फोल्ड करेंगे, तो ये 2 बार 1.5 इंच हम इसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा आ जाएगा। मैं अंदाजे से करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना फोल्ड कर रही हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं सिलती रहती हूँ। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो निशान लगा कर ही इसमें कीजिएगा। तो चलिए दोनों में इस तरह से बटन पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इसमें भी हम फोल्ड कर लेंगे, नीचे तक फोल्ड करना है। अभी देखिए बैक में भी मैंने पूरा सलंग इसमें ये लगा दिया है। तो अब इसकी स्लीव कट करते हैं गाइस। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पट्टी को सिल दिया है अच्छे से, देखिए बिल्कुल नीचे तक मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए सिल दिया है। अब इसकी हम स्लीव कट करते हैं गाइस। तो चलिए स्लीव हम कैसे कट करेंगे। स्लीव के लिए देखिए ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, 2 स्लीव है ये हमारी। अब स्लीव में देखिए हम इसमें कफ लगाएंगे, तो मैंने 3 इंच का इसमें कफ रखा है वो मैंने माइनस कर दिया। देखिए यहाँ से 3 इंच और 25 इंच की मेरी स्लीव है, मैंने 26 इंचेस इसमें ये ले लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब 3.5 इंच पे मैं यहाँ से डाउन कर रही हूँ इस तरह से। अब जो भी आपका चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें से और 1/2 इंच माइनस कर दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए। तो बस इतना ही था। अब यहाँ से तिरछी लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी स्लीव का जो शेप होता है बिल्कुल वही शेप इसमें ये लगा देंगे। बस इतना है कि इसमें कफ लगेगा। तो देखते रहिएगा। अब ये जो जितना भी हमारा फैब्रिक है ये पूरा मैं इसमें ले रही हूँ क्योंकि हमने इसमें कफ लगा रहे हैं, तो हम इसमें पूरा गैदर्स इसमें ये बना देंगे। तो अब देखिएगा इस ये जो भी फैब्रिक था हमारा ये मैंने पूरा ही ले लिया। यहाँ से हम इसमें गैदर्स बनाएंगे जैसे हम अपनी कुर्ती में बनाए हैं, बिल्कुल वैसा ही गैदर्स बनाएंगे। तो फटाफट से मैंने स्लीव को कट कर लिया है, सेंटर भी कट कर दिया है। अब हम इसमें अपनी स्लीव का जो शेप होता है फ्रंट का वो कट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं
इसको कट करके एक निशान लगा दूंगी, एक कट लगा दूंगी, यानी कि एक नोच लगा दूंगी, ताकि ये हमें पता रहे इसको हम फ्रंट में ही लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने नोच लगा दिया। तो अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना है आप लोगों को। अब देखिए ये जो स्लीव का साइड है हमारा, यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको थोड़ा सा जो है वो ओपन ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें गैदर्स बना लेंगे। तो बस इतना ही था। ये देखिए अभी मैंने स्लीव में इस तरह से ये साइड साइड में सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको एक कच्ची सिलाई लगा दी हूँ मैंने इसमें, जैसा हमारी मशीन में 5 नंबर की सिलाई आती है वही मैंने इसमें सिलाई लगाया है। और उसके बाद हमें इसको खींचते हुए इस तरह से गैदर्स बनानी है, बिल्कुल कुर्ती में जैसे हमने बनाए हैं। कुर्ती में भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से बनाकर रखे थे। जो भी आपका मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। तो आप देखिए ये कफ के लिए मैंने लिया है 3 इंच का, जैसे मैंने इसमें कफ लिया है। देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, ये व्हाइट फैब्रिक है। इस तरह से मैंने इसको आयरन करके लिया है और फैब्रिक के ऊपर ये देखिए डबल करके लिया है मैंने। ठीक है, अब हम इसको उल्टा करेंगे। यहाँ से जहां तक हमने कफ लगाए हैं वहां से हम इसको सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको सीधा कर देंगे। बस इतना ही था इसमें कफ में। कई सारी वीडियोज में मैंने बताया है इस तरह का कफ हम कैसे लगा सकते हैं। और जो 1/2 इंच का मैंने फैब्रिक इसमें छोड़ा है, देखिए इसको हम उल्टी तरफ से रखेंगे और जो हमारा फ्यूजिंग वाला हिस्सा है वो राइट साइड फैब्रिक की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी स्लीव भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी स्लीव को हम अपनी जो टॉप हमने रेडी करके रखा है इसके अंदर इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। और उसके बाद जो है हम इसका साइड की सिलाई लगा देंगे। तो चलिए देखिए मैंने इसकी स्लीव को तैयार कर देना है, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। देखिए गाइस दोनों स्लीव मैंने इस तरह से इसके अंदर जोड़ लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और जहां तक मैंने इसमें बारीक सी सिलाई लगाई थी स्लीव के साइड साइड में, वहां से हमने इसको थोड़ा सा छोड़ देना है। इसीलिए मैंने इसको साइड में सिलाई लगाई थी, देखिए इतना छोड़ देना है। और यहाँ से हम इसको साइड की सिलाई इसमें बंद कर देंगे। जो भी आपने मेजरमेंट रखा होगा 2 इंच 1.5 इंच जितना भी आपने रखा होगा उसके हम इसमें नीचे तक इसमें सिलाई लगाकर इसको ये बंद कर देंगे। यहाँ से भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, साइड की सिलाई लगाकर यहाँ से इसको बंद कर देंगे। बस इतना ही था, ये ऊपर वाले टॉप का हमारा मेजरमेंट इतना ही था। और उसके बाद देखिए ये नीचे से भी हम इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। 2 इंच का मैंने इसमें मार्जिन लिया है तो मैं 2 इंच पर ही इसको इस तरह से ये सिलाई लगाकर फोल्ड कर लूंगी। तो देखिए गाइस अभी उसके बाद जो है मैं इसका कॉलर नहीं बताऊंगी आप लोगों को। इसका जो कॉलर है वो मैंने 2 वीडियो बनाई है इसकी कॉलर की, वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी इसके कॉलर की वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर लगाकर अच्छे से ये रेडी कर लिया है और ये टॉप की वीडियो है हमारी। पूरा जो टॉप है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है इस तरह से। उनको बता देती हूँ बटन हमने इसमें कैसे लगाना है। और जो राइट हैंड हमारा होता है बिल्कुल उसी में हमने इसमें का जो बटन होल है वो लगाना है। जो बटन है वो हमारे लेफ्ट साइड में लगेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग इसमें बटन और जो बटन होल है वो लगा सकते हैं। और इसकी जो बटन होल के जो निशान रहेगा वो 3 इंच भी रख सकते हैं या 3.5 इंच भी इसमें रख सकते हैं। आपको जहां तक इसमें नीचे तक रखना हो तो आप पूरा नीचे तक भी रख सकते हैं, या फिर बीच में इसको बंद करना चाहते हैं, खुला रखना चाहते हैं तो भी आप इसको वहां तक भी रोक सकते हैं। तो बिल्कुल मैं इसको आप लोगों को बता दूंगी एंड में इसमें मैंने कितना रखा है। तो चलिए ये जो है हमारी वीडियो इसकी रेडी हो चुकी है। हमारा टॉप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम स्लीव में भी बटन होल कर देंगे और बटन लगा देंगे। और जो हमारा जो जैकेट है उसको शुरू करते हैं। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। आप लोगों को क्या इसमें समझ में नहीं आए ये आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए, जैकेट को बनाने के लिए देखिए ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ये भी 60 इंचेस का ही है विड्थ में। और ये आप लोगों को जहां पर मेंस के जो फैब्रिक मिलते हैं, जैसे कि आप लोग जेंट्स के कपड़े खरीदते होंगे पैंट पीस या फिर शर्ट पीस, वहां से आप लोगों को ये मिल जाएगा। वहीं से मैंने ये पैंट पीस का फैब्रिक जो है वो 1 मीटर लिया था। ये मुझे 300 का 1 मीटर फैब्रिक मिला था। तो आप देखिए ये देखिए 60 इंचेस का ये फैब्रिक है। ठीक है, तो चलिए 1 मीटर ही लिया है मैंने। ये एक ब्लैक पीस मैंने लिया है क्योंकि हम इसमें लाइनिंग डालेंगे। एक ही पीस मैंने ये लिया है। तो देखिए ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और उसके बाद जो है हम अपना शोल्डर लगा देंगे। जो भी आपका शोल्डर हो वही शोल्डर आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से हम 7 इंच पर ही एक शोल्डर लगाएंगे
और यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे, जो भी आपकी लेंथ हो उसको 15 इंच मेरी लेंथ है तो मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लगा कर लिया है, 16 इंच पे लिया है, जैसे हम अपने टॉप के लिए लिए थे बिल्कुल वैसे ही लेना है इसमें भी। और उसके बाद देखिए यहाँ से 7 इंच पर ही मैं इसमें निशान लगाऊंगी, फ्रंट का तो मैं इसमें निशान लगा दी हूँ बट नहीं लगाऊंगी मैं इसमें, इस तरह से हम इसको ये आर्म होल का निशान इसमें ये ज्वाइन कर लेंगे। तो बस इतना ही था, अब इसमें हम अपना चेस्ट लगाएंगे, जो भी आपका चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके आप इसमें चेस्ट लगा सकते हैं। मेरे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 34 इंचेस का मेरा चेस्ट है, ये 1.5 इंच मैंने इसमें लगाया है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर भी बिल्कुल आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं, आप चाहो तो इसमें डार्ट भी रख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग और भी अच्छे से आएगी, आपकी जो फिटिंग है ना वो बहुत ही अच्छी आएगी अगर आप लोग इसमें डार्ट भी रखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए देखिए अब ये मैंने सीधा कर लिया है यहाँ से, और उसके बाद जो है हमने इसमें आगे क्या करना है वो देख लीजिए आप लोग। 3 इंच पे मैंने गले का ये चौड़ाई रखी है इसमें, इसमें कॉलर नहीं है गाइस। और यहाँ से देखिए मैंने 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन किया है, बिल्कुल कॉलर नहीं है इसमें। ओके, तो अभी देखिए ये इस तरह से मैंने शोल्डर डाउन कर दिया। अब देखिए यहाँ से 1 इंच का एक निशान लगा रही हूँ क्योंकि बैक नेक जो है हमारा 1 इंच का ही रहेगा इसमें। अब ये इतना हो गया, मैं इसको फटाफट से कट कर लेती हूँ, आगे देखते रहिएगा आप लोग, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 इंच का एक निशान लगाया है, मैंने 4 इंच, ठीक है 4 इंच से 4.5 इंच तक मैंने इसमें ये निशान लगाया। अब इस निशान को हम इस गले के शोल्डर के पास इस तरह से ये जोड़ देंगे तिरछे में, जैसे हम अपने अंगरखा ड्रेस के लिए जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसमें ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैंने 4 इंच का जो निशान लगाया है आप इसको और भी ज्यादा 5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें वेस्ट नहीं करना था गाई, इसीलिए मैंने इसका इस तरह से ये बनाया है। अब ये जो ये देखिए ये नीचे से ये जो निकल रहा है ना इसको हम यहाँ से फोल्ड करके इसको पिन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से अब ना आप लोगों को पेपर भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आप बैक वाले पीस से ही इसमें फ्रंट कट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये फ्रंट पीस तैयार हो गया। ठीक है, कट बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना इसको हम ओपन साइड से रखेंगे, ये देखिए ये ओपन साइड से मैंने रखा है इसको, और उसके ऊपर ये बैक वाला पीस जो है हमने ये निशान लगाए हैं इसको हम रख देंगे। और यहाँ से देखिए मैं 3 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और यहीं से जो है मैं इसमें 3 इंच का एक निशान आगे की तरफ ले रही हूँ। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये यहाँ से हमने निशान लगा दिया, अब यहाँ से भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे नीचे से। ठीक है, अब इस निशान को हमने 3 इंच वाले निशान को जोड़ देना है, देखिए इस तरह से शेप पट्टी से ही जोड़ना है, बिल्कुल सीधा नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से शेप पट्टी से ही हम इसको जोड़ देंगे, जैसे हमारे कोट कॉलर का जो शेप होता है बिल्कुल वही शेप मैंने इसमें ये लगाया है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसमें नीचे तक इसको लगा दिया है। अब बाकी जो भी हमने इसमें ब्लैक फैब्रिक रखे हैं बिल्कुल वही निशान से हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ से मैं इसको सीधा सीधा, ये देखिए इस तरह से सीधा सीधा मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी, ये देखिए बिल्कुल। अब ये इतना निशान हमारा लग चुका है, ये देखिए यहाँ से भी, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इसको फटाफट से कट कर लेते हैं गाइस। जैसा हमारा निशान है बिल्कुल वैसे ही हमने इसको कट करना है, आगे आप लोगों को बताती रहूंगी मैं। तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, देखते रहिएगा वीडियो को। तो देखिए यहाँ से मैं इसको फटाफट से कट कर रही हूँ, ये जैसा था वैसा ही, ये 2 पीस है गाइस। ठीक है, फ्रंट के 2 पीस है ये हमारे, तो आगे भी हमने इसमें और 2 पीस कट करना है। ये देखिए अब जो हमने फ्रंट का आर्महोल इसमें नहीं कट किया था तो वही आर्महोल हम यहाँ से थोड़ा सा जो है अंदर की तरफ इसको शेप देने के लिए कट कर देंगे। तो ये हो गया अभी हमारा, देखिए उसके बाद देखिए गाइज यहाँ से ये देखिए ये जो निशान है ना, ये मार्जिन हमने 1.5 इंच का रखा था, तो यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ, देखिए 1 इंच के करीब मैंने इसको ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो जैकेट है ना इसमें ऐसा ही शेप है, तो बिल्कुल हमने अभी इसको ऐसा ही शेप देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा शेप जो है इसमें ये बन जाएगा। अब ये जो निशान है ना हमारा, इसको हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, बाकी जो फैब्रिक है इसको हम यहाँ से ये कट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से ये मैंने इसको तैयार कर दिया है। अभी अब ये जो पीस है ना हमारे, यहाँ से ये इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, हमारा जो शेप है हमारे जैकेट का वही शेप है ये हमारा। तो अब देखिएगा इस तरह के हमने 4 पीस कट करना है, ये जैसे हमने ये देखिए ये 2 पीस है हमारे, तो अब हम फैब्रिक को इस तरह से फिर से रख लेंगे और इस तरह के 2 पीस और हम इसमें से कट करके निकालेंगे, यानी कि हमने इसमें 4 पीस इस तरह के ये कट करके निकाल लेना है। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही था फ्रंट वाले पीस का हमारा, ये देखिए 4 पीस है ये हमारे, तो ये रेडी हो चुका है। अब ये जो बैक हमने कट किए थे ब्लैक फैब्रिक में, ये हमारा लाइनिंग है, हमने इसमें पीछे डालना है इसको,
ये देखिए अब इसको मैंने फिर से खोल दिया है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। अब इसी को रखते हुए हम अपना मेन फैब्रिक जो है बैक वाला वो कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें हमने बैक पीस कट कर लेना है। ठीक है, ये तो बहुत सारा फैब्रिक मेरा बच गया था गाइस। ओके गाइस, तो चलिए देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिया, बैक वाला पीस भी फटाफट से, और इसका आर्मोल भी कट कर लिया है। अब ये देखिए ये जो बैक पीस है ना हमारा, इस दो हो गए हमारे, ये लाइनिंग हो गया और ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया। तो अभी देखिए अभी जो फोर पीस हमने कट किए थे इसको अभी हमने अलग अलग जोड़ना है। ठीक है, जो हमने ब्लैक पीस कट किए हैं बैक वाला, उसके साथ हमने टू पीस जोड़ना है। देखिए मैं पिन लगाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये ब्लैक वाले के साथ टू पीस हम इस तरह से ये जोड़ेंगे, उल्टा सीधा देखते हुए जोड़ना है। अब जो दो पीस है हमारे, ये फोर पीस हमने जो कट किए थे, ये वाले हमने इसको मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए ये जो हमने जोड़ के रखे हैं इसको अभी हमने एक दूसरे के साथ सिलाई लगाना है, उल्टा रखेंगे दोनों को। ये देखिए यहाँ से ये मैंने इस तरह से रखा इसको। अब देखिए गाइज ये आप लोगों को देखने की जरूरत है। अब देखिए इसके जो आर्महोल है इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी इसमें स्लीव तो है ही नहीं है, तो हम आर्महोल को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से अभी हमने क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, नीचे से ये देखिए यहाँ से 2.5 इंच का एक निशान मैंने लगा दिया। अब हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे, जहां पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है बिल्कुल यहीं से हम अपनी सिलाई को शुरू करेंगे। 1/2 इंच का ही सिलना है, जैसे देखिए मैं निशान लगाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को इसमें सिलाई लगाना है। ठीक है, ये देखिए सब में निशान लगाकर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये देखिए इस तरह से आप लोगों को सिल देना है। ये देखिए यहाँ तक आप इसको रुका देना है, 2.5 इंच का जो हमने निशान लगाए वहां तक आप लोगों को इसको रुका देना है। उसके बाद आप इसमें कट लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने कट लगा दिया और इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। देखिए जो मैंने निशान आप लोगों को बताया है बिल्कुल वही निशानों को मैंने इसमें सिला है। ओके, इसमें नोचेस जरूर लगाना है आप लोगों को गले को पलटते समय, जैसे हम अपनी कुर्ती में गला पलटते हैं जब हम इसमें कट लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए मैं इसको अच्छे से आयरन कर लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है, यहाँ से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, जैसे हमारे कोट कॉलर में फोल्ड होता है बिल्कुल वैसे ही। अब ये देखिए यहाँ से ये ओपन है हमारा, 2.5 इंच हमारा, ये टोटल हमारा 5 इंच हो गया। अब इसी की चौड़ाई जितना मैंने एक लेंथ में फैब्रिक लिया है बेल्ट के लिए। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बेल्ट रखिएगा। ये देखिए इस तरह से 5 इंच की ही चौड़ाई है इसकी। अब हम इस वाले पीस को इसके साथ यहाँ से जोड़ देंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है गाइस, इसको हल्का सा आप कट लगा कर भी जोड़ सकते हैं, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए मैं यहाँ से पिन लगा देती हूँ, पिन से इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। बिल्कुल ये जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है बिल्कुल वही चौड़ाई की हमारी ये पट्टी है बेल्ट की, तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। अगर आप लोगों को जोड़ने में तकलीफ होती है तो आप लोग जो जैकेट वाला जो हिस्सा है ना उसमें कट लगा कर भी इसको जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी, अब जो दूसरा वाला पीस है ना, ये देखिए ये वाला, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों बेल्ट हमारे ये तैयार हो जाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसको कट लगाकर सिला है थोड़ा सा, वरना आप लोगों का भी सिल नहीं पाएंगे आप लोग भी, तो बिल्कुल कट लगाकर ही इसको रेडी कीजिएगा। ये देखिए ये यहाँ से हो गया। अब हम इसको सीधी तरफ से देखिए ये कैसे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए राइट साइड से ये कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। अब हमने इसको बंद करना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको बंद कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसको अभी हमने उल्टा, इस वाले पीस को लेना है, इसको हमने यहाँ से उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद जो है बेल्ट भी हमने इसको उल्टा करना है। बेल्ट को जो है ये यहाँ से हम इसको सिलते हुए 1/2 इंच पे पूरा, ये देखिए यहाँ से भी उल्टा ही सिलना है हमने। ये देखिए यहाँ से भी हमने इसको उल्टा करते हुए 1/2 इंच का दोनों को जोड़ देना है। जो हमने ऑलरेडी जो शेप हमने सिले हैं उसको अंदर कर देना है, यहाँ से हम इसको सिलते हुए 1/2 इंच पे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए उल्टा करना है यहाँ से, और यहाँ से भी उल्टा करना है आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से, आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ गाइस। ये देखिए यहाँ से ये बेल्ट भी इसको इस तरह से ये उल्टा करते हुए इसको सिलाई लगा देना है। तो चलिए देखिए ये मैंने सिल दिया अभी। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, कुछ नोकीली चीज लेंगे यहाँ से और इस बेल्ट के साथ हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे फटाफट। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ
वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है गाइस, और ये एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करना था। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्या मैंने अपलोड किया है, तो जरूर आप लोग देखिएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा बेल्ट जो है ये कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। ये देखिए ये वाला भी हम इसको सीधा कर देंगे, थोड़ी सी मैंने फास्ट कर दिया है इसमें भी। ये नोक हमने बिल्कुल कट करना है ताकि इसका जो बेल्ट का जो शेप है अच्छे से वो कोने जो है वो अच्छे से बैठे इसमें, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इसको बेल्ट को पकड़ लेंगे और यहाँ से खींच के बाहर निकालेंगे। तो बस इतना ही था ये। अब देखिए गाइज ये तो तैयार हो चुका है अब हमारा। अब मैं इसको अच्छे से आयरन करूंगी, वाटर स्प्रे करते हुए अच्छे से मैं इसको आयरन कर लूंगी। आयरन का ही सबसे ज्यादा कमाल है इसमें, उसी से इसका जो शेप है वो अच्छे से सेट होगा। तो आप देखिए गाइज ये तो हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमने बैक जो है वो रेडी करना है, बैक का जो नीचे का हिस्सा है उसको अभी हमने रेडी करना है। तो ये तो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब चीज को जो है वो एक एक पे ही रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से ये फोल्ड होगा। अगर आप इसमें कॉलर लगाना चाहते हैं तो जरूर लगा सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है वीडियोज में। अब देखिए इस तरह से हम इसको बैक को सिलेंगे, इस तरह से अच्छे से इसको अंदर की तरफ ही रखेंगे। और यहाँ से ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने पलटा है बिल्कुल उसी तरह से पलटते हुए इसको हाफ इंच पे सिलाई लगा देंगे। और दूसरी साइड से हमारा साइड से खुला है, यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से ये रेडी हो चुका है हमारा। और उसके बाद देखिए अब इसकी साइड की सिलाई हम कैसे लगाएंगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम राइट साइड से ही इसकी सिलाई लगाएंगे हाफ इंच पे, उसके बाद हम इसको उल्टा करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे जो धागे वगैरह है वो अंदर की तरफ ही रहेंगे। पहले सीधी तरफ से सिलना है, उसके बाद हम इसको उल्टा करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बस इतना ही था। अब हमारा जैकेट भी तैयार हो चुका है। आप लोगों को वीडियो क्या समझ में नहीं आया है वीडियो में जरूर मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगी। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा मुझे। इसका फाइनल लुक जो है आप लोगों ने देख ही लिया है, देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए इसका फाइनल लुक है ये। तो जरूर मेरी वीडियो को जो है वो लाइक दिया कीजिए आप लोग, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और 100 वीडियोस हम जरूर कंप्लीट करेंगे, आप लोगों का साथ रहा तो जरूर कंप्लीट करेंगे। और जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोज को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ मुझे याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।